हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए और जिसने दुनिया को दिया इलेक्ट्रिक बल्ब, द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में जन्मे एडिसन बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। स्कूल में शरारत करना उनका रोज का काम था। पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। हार कर उनकी स्कूल टीचर ने बालक एडिसन के हाथों एक लेटर उनकी माँ को भेजा। लिफाफे को फाड़ कर जब उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा तो उनको बड़ा दुख हुआ। थॉमस ने इस पर पूछा कि क्या बात है माँ, ऐसा क्या है उस लेटर में जो आप उदास हो गई। माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि ये स्कूल तुम्हारे योग्य नहीं है। कोई भी टीचर इस योग्य नहीं कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए अब से तुम स्कूल नहीं जाओगे, घर पर ही पढ़ोगे। बालक एडिसन अब घर पर ही पढ़ने लगा। जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण एडिसन के मन में कई प्रश्न उठते और वे उसका उत्तर पाने की कोशिश करते। एक दिन बालक एडिसन छोटे छोटे कीड़ों को उड़ते देखा। उनके मन में विचार आया, यदि इन कीड़ों को घोल बनाकर उसे पी लिया जाए तो कोई भी उड़ सकता है। बालक एडिसन अपने इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग को करके देखना चाहता था। फिर क्या था, एडिसन ने पड़ोस की एक छोटी बच्ची को इसके लिए राजी कर लिया। उसने कीड़ों को पीसकर घोल तैयार किया और उस बच्ची से कहा, यह वंडरफुल मिक्सर है, इसे पीकर तुम इन कीड़ों की तरह उड़ सकती हो। बच्ची ने उस मिक्सर को पी लिया और वह बुरी तरह बीमार हो गई। थॉमस की माँ नैन्सी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बालक एडिसन को बहुत डांटा। एडिसन के मन में जिज्ञासा ढेरों थी। मात्र 10 साल की उम्र में एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला बनाई। माँ नैन्सी ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक लाकर दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए गए थे। बहुत कम समय में ही उन्होंने वे सारे रासायनिक प्रयोग कर डाले। जैसे जैसे एडिसन बड़े होते गए, उनके प्रयोग भी बढ़ते चले गए। जब तक उनका प्रयोग चलता रहता था, उनको बाकी किसी चीज़ की सुधि नहीं रहती, वे खाना भी भूल जाते थे। एडिसन 12 वर्ष की आयु में फ्रूट्स और न्यूज़पेपर बेचने का धंधा करके परिवार को सपोर्ट करने लगे। वे ट्रेन में पत्र छापते और वैज्ञानिक प्रयोग करते। उन्होंने टेलीग्राफ में महत्वपूर्ण सुधार किए। ग्रामोफोन का आविष्कार उन्होंने किया। बेल टेलीफोन में भी सुधार किए। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से भी ज़्यादा प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में किए, फिर भी वे असफल रहे। लेकिन जैसे कि उन्होंने हार न मानने की ठान ली, अंततः वे सफल हुए। विज्ञान का आश्चर्यजनक जादू 1879 को देखने को मिला, जिसने अंधेरे में बिजली की रोशनी में पूरी दुनिया को जगमगा दिया। इससे पहले पूरी दुनिया उजाले के लिए लालटेन, मोमबत्ती, दिया सलाई पर निर्भर थी। बिजली बल्ब ने पूरी दुनिया को जगमगा दिया था। एडिसन यही नहीं रुके, उन्होंने 1883 में एडिसन इफेक्ट की खोज की, जिस पर आगे चलकर रेडियो वाल्व की खोज की गई। अगले 10 वर्षों में एडिसन ने प्रकाश, ऊष्मा और शक्ति के इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर प्रयोग किए। भूमि के नीचे केबल के लिए इलेक्ट्रिक वायर को रबड़ और कपड़े में लपेटने की विधि को खोजा। डायनेमो और मोटर में सुधार किए। यात्रियों और माल ढोने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन तथा शिप से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया। 1891 में चलचित्र कैमरा का पेटेंट कराया एवं इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए काइनेटोस्कोप का आविष्कार किया। प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए नेवी के चीफ एडवाइजर बनकर 40 से अधिक युद्ध के उपकरणों का आविष्कार किया। मेलनो पार्क और वेस्ट ऑरेंज के कारखानों में एडिसन ने 50 वर्ष के अथक परिश्रम से 1093 आविष्कारों का पेटेंट कराया। एडिसन ने जो आविष्कार किए वे सब महानतम आविष्कार हैं, जिनकी वजह से दुनिया पूरी तरह बदल गई। लेकिन आश्चर्य, 1000 से ज़्यादा आविष्कार करने वाले इस महान वैज्ञानिक को विश्व प्रसिद्ध नोबेल प्राइज कभी नहीं मिल सका। जबकि उनको ये प्राइज़ मिलता तो वे 100 से ज़्यादा बार इस प्राइज़ को प्राप्त करने के हकदार थे, हालांकि वे इस सम्मान से बहुत ऊपर उठ चुके थे। एक दिन अपने घर के एक पुराने अलमारी में कुछ खोज रहे थे। उन्होंने अलमारी का एक ड्रॉवर खोला
उसमें उन्हें वही लिफाफा मिला जो उनको स्कूल से मिला था। एडिसन ने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो वे भौचक्के रह गए। उसमें स्कूल टीचर ने उनकी माँ को लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, वह इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसे आप घर ले जाइए। एडिसन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने यही कहा, एक महान माँ ने मंदबुद्धि बेटे को महान वैज्ञानिक बना दिया। वह सोचने लगे, अगर उनकी माँ ने उस समय ज्यों का त्यों लेटर पढ़ दिया होता तो शायद एडिसन मंदबुद्धि बना रहता, वह कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाता। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनके कुल 6 बच्चे हुए। 84 साल की उम्र में साल 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह इस महान वैज्ञानिक ने अपना सफ़र पूरा किया और दे गया दुनिया को अपने महानतम आविष्कार। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे लेकर ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।